सरगोशी हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर वीडियो। एंड आज के इस वाले वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ, जैसे आपने इंस्टाग्राम में ट्रेंडिंग रील से भी देखा होगा, जो कि कैपकट एडिटिंग बहुत ही ज़्यादा भी चल रहा है और सिनेमैटिक रील एडिट करके बहुत सारे लोग व्यूज छाप रहे प्लस फॉलोअर भी गेन कर रहे हैं। बट आपको नहीं पता और आपको जानना है कि कैसे आप एडिट कर सकते हो कैपकट में, तो आज का वीडियो उसी के ऊपर है। और आपको कैसे एडिटिंग करना है सिनेमैटिक वीडियो कैपकट में, सारा ट्यूटोरियल बताने वाला हूँ। बस आपको क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो चले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे न्यू चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आप जुड़े रहें हमारे साथ और हमारे हर एक वीडियो को एंजॉय करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे आ चुका हूँ। अब आपको क्या करना है, अभी आपको कैपकट ओपन करना है और मैं अभी कर लेता हूँ। बट उससे पहले आपको एक चीज़ करना है, वो है VPN कनेक्ट करना। अभी मैंने VPN कनेक्ट कर लिया। अभी आपको बैक आना है। बैक आने के बाद फिर से आपको आना है कैपकट पर। कैपकट में आने के बाद क्या करना है, आपको न्यू प्रोजेक्ट क्लिक करना है। देन यहाँ से अपने वीडियोज को सिलेक्ट करना है, पिक कर लेना है। तो मैं कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने चारों क्लिप को ऐड कर लिया है। अभी यहाँ पर आपको एक सॉन्ग पिक करना पड़ेगा जिसको आपको एडिट करना है। ऐड म्यूजिक पर क्लिक करता हूँ एंड एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ डायरेक्ट वीडियो से। सॉन्ग को एक्सट्रैक्ट कर लिया है, देख लो यहाँ पर, थोड़ा सा प्ले करके दिखाता हूँ। अब इतना कर लिया हमने। सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, अभी म्यूट कर लेना है सारा क्लिप्स को ताकि बस हमारा सॉन्ग सुनाई दे। देख लो मैंने म्यूट कर लिया है। अब आपको क्या करना है, जहाँ पे कट्स लगाने वहाँ पर आपको बीट मार्क देना है। तो आपको अपने ऑडियो पे क्लिक करना है। देन यहाँ पर आपको क्या करना है, बीट्स पे क्लिक करना है। एंड आपको यहाँ पर अच्छे से सुन सुन के जहाँ भी कट लगेगा वहाँ पर बीट मार्क्स दे देना है। तो मैं दे लेता हूँ। अभी मैंने बीट मार्क्स लगा लिए, तीन जगह यहाँ पर कट होगा वीडियो, तो मैंने लगा लिया अच्छे से बिल्कुल। यहाँ से डन कर लेता हूँ एंड बीट मार्क्स है, अभी हमें कट करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो फर्स्ट क्लिप हम थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, तो बस इतना तक आता है उतना ही रखते हैं हम यहाँ से यहाँ। अभी आपको इतना ही रखना है, देन इसको कर लेते हैं यहाँ से स्प्लिट या फिर क्रॉप जो बोलेंगे। अभी मैंने कर लिया। अभी आपको यहाँ पर आगे नहीं बढ़ना, इसी पर आपको अरेंज कर लेना। फर्स्ट में आपको आना है स्पीड पे एंड कर्व पे एंड कस्टम कर्व पे, देन एडिट पे क्लिक करना है। अभी आपको यहाँ पर क्या करना है, दो डॉट्स को रहने देना है। देन आपको तीसरे को बिल्कुल ऐसे नीचे कर देना डायरेक्ट 0.5 एंड आपको यहाँ पर इसको कर देना डिलीट एंड इसको भी कर देना है वही। देख लो ये वाला भी यूज हो रहा है बहुत ही ज़्यादा, बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला कर्व बहुत सारे यूज कर रहे हैं स्लो मोशन के लिए और इस वाले वीडियो के लिए स्पेशली यही यूज कर रहे हैं। तो ऐसा ग्राफ आपको बनाना है, देख लो अच्छे से। अभी यहाँ से डन कर लेते हैं। तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, हमें थोड़ा सा स्पीड करना पड़ेगा शुरू वाली क्लिप्स को। कर लेता हूँ इतना, अभी देखते हैं कैसा लग रहा है। आपको यहाँ अच्छे से बिल्कुल समझ में ना आए बट ये अच्छा भी लग रहा है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर जिटर हो रहा है। अभी चाहो तो आप और भी स्लो कर सकते हो, यहाँ से थोड़ा नीचे की ओर ले आना आपको। 0.3 कर देता हूँ, अभी 0.4 परफेक्ट है, कर लेता हूँ 0.4। अब इतना करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको इसको करना है यहाँ से क्रॉप, मतलब डन कर लेना है। देन यहाँ से एक बार प्ले करके देख लेना है। अब आपको क्लिप को अरेंज कर लेना जहाँ तक आपको रखना है, बीट मार्क्स तो ले जाते हैं। देखो बीट मार्क्स तो मैंने ले गया। अभी आपको फिर से इसी वाले क्लिप पर क्लिक करना है, देन फिर से आना है स्पीड पर, कर्व पर, देन आपको फिर से एडिट पर क्लिक करके स्मूथ स्लो मोशन पर क्लिक करना है, देन बेटर क्वालिटी पर क्लिक करके कर देना डन एंड इसको अप्लाई कर लेना है स्मूथ स्लो मोशन को ताकि आपका क्लिप स्मूथ लगे। देख लो हमने अप्लाई कर लिया, मैं दिखाता इसका रिजल्ट कैसा है। हो गया, अभी नेक्स्ट वाली क्लिप पे आते हैं। तो हम पूरा कर लेते हैं इसको क्रॉप यहीं तक, बिट मार्क्स तो मैंने कर लिया। अभी आपको फिर से आना है स्पीड पे, फिर से कर्व पे आना है, फिर से कस्टम पे क्लिक करना है, एडिट पे क्लिक करना है। अभी आपको यहाँ पर फिर से वही करना है, थोड़ा सा स्पीड कर लेते हैं शुरू वाले पार्ट्स को 2.67 कर लेते हैं या फिर 2.3x कर लेते हैं हम लोग डायरेक्टली।
तो 3x हमने कर लिया से स्पीड, अभी आता है फिर से इसको कर लेते हैं 0.4 एंड इसको कर लेते हैं डिलीट एंड फिर से इसको कर लेते हैं 0.4 एंड यहाँ से कर लेते हैं डन एंड देखते हैं एक बार कैसा हुआ। देख लो आप आगे वाले क्लिप में अच्छे से काम नहीं किया क्योंकि वहाँ पर पहले से स्लो मोशन था तो अजीब लग रहा है, बट इसमें देखो बहुत ही मस्त आपको देखने में लग रहा होगा। सेम टू सेम कर लें आपको यहाँ से मैं करते हैं इसको क्रॉप मतलब स्प्लिट, तो मैंने बीट मार्क्स तक कर लिया इसको स्प्लिट। अब आपको आना लास्ट वाले क्लिप पे, तो मैं ऐसे इसको किया यहाँ पर एंड मैं लास्ट वाले को करते हैं ऐसे डिलीट क्योंकि मैंने 4 क्लिप्स ले लिए हैं तो यहाँ पर 3 ही लगाना है मुझे। तो इतना मुझे यहाँ पर देना है एनिमेशन, मैं फिर से इस पर क्लिक करता हूँ, फिर से आना स्पीड पे, फिर से आना कर्व पे एंड फिर से कस्टम पे आना है एंड एडिट पे क्लिक करना है, फिर से इसको कर लेते हैं हम यहाँ पर 3x एंड इसको भी कर लेते हैं उतना। एंड फिर से आते इसको बिल्कुल करते हैं 0.4 एंड इसको डिलीट एंड फिर से इसको 0.4। अभी क्या करना है फिर से डन कर लेते हैं देन देखते हैं कैसा बना है। मस्त लग रहा है, अभी मैं इसको करता हूँ लास्ट तक यहाँ पर स्प्लिट एंड लास्ट वाले पार्ट को डिलीट। अब इतना हो गया, 2 क्लिप को फिर से यहाँ पर स्मूथ स्लो मोशन को अप्लाई करना है, इस पर नहीं किए थे हम। अभी फिर से सेकंड वाले क्लिप को मैंने क्लिक किया देन स्पीड पे क्लिक करके कर्व पे क्लिक करके एडिट में जाना है एंड स्मूथ स्लो मोशन को बेटर क्वालिटी में अप्लाई कर देना है दोनों क्लिप में जो जो बचा है। तो ये चीज़ सब में आपको कर लेना ताकि आपका वीडियो बहुत ज़्यादा स्मूथ लगे और उससे सिनेमैटिक वाइब आएगा, ठीक है। तो कुछ भी गलती नहीं करना है नहीं तो आपको सिनेमैटिक फील ही नहीं आएगा वीडियो में। अब इतना करके डन कर लेते हैं, देखते हैं फिर से वीडियो कैसे लग रहा है। तो हमने इतना कर लिया, अभी आपको यहाँ पर क्या करना है सारे इफेक्ट्स एंड फिल्टर्स को अप्लाई करना है। अब यहाँ से आपको बैक कर देना है देन यहाँ से आपको आना है वाले फिल्टर्स पर। अब यहाँ पर आपको बहुत ही सारे कैपकट के फिल्टर्स मिल जाएंगे जो कि प्रीमियम फिल्टर्स होते हैं, बहुत ही अच्छे से काम करते हैं। अब यहाँ पर आपको चूज करना है कोई एक, आपको यहाँ पर अप्लाई करके देखना है जो आपको अच्छा लगे उसको आप सिलेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पर आपको कौन सा फिल्टर अप्लाई करना है आप कोई भी कर सकते हो, बट मैं यहाँ पर कर रहा हूँ सिनेरियो में आपको दिख रहा होगा लास्ट वेगस, मैंने इसको कर लिया सिलेक्ट देन इसको कर लेते हैं इसका इंटेंसिटी फुल देन यहाँ से कर लेते हैं डन वाले फिल्टर को बिल्कुल ऑल में अप्लाई कर देते हैं हम और देखिए कैसा लगेगा। तो एक क्लिप में कुछ ऐसा हमारा वीडियो बन चुका है। अभी क्या करना है थोड़ा सा यहाँ पर और भी एडजस्ट करना है तो आप बैक आना है, अभी आपको आना है एडजस्ट पे देन फिर से एडजस्ट पे क्लिक करना है एंड यहाँ पर एडजस्टमेंट भी कर लेना है तो मैं कर लेता हूँ। अभी आपको सिंपली क्या करना है रहना नहीं है, अभी आपको सिंपली आना है HSL पर, अभी आना आपको इस वाले कलर पे एंड देख लो इसका सैचुरेशन थोड़ा सा प्लस कर लेते हैं एंड इसका ह्यू थोड़ा सा कर लेते हैं माइनस एंड इसका ह्यू थोड़ा सा प्लस कर लेते हैं देन इसका जो लाइट है वो कर लेते हैं 0। तो इसका लाइट वैसे रहने देते हैं देन आते हैं ग्रीन कलर पे एंड इसका भी कर लेते हैं थोड़ा सैचुरेशन प्लस एंड इसका जो ह्यू है वो कुछ ऐसा एंड इसका लाइट थोड़ा सा प्लस अभी कुछ ऐसा लग रहा है देखने में। अभी आते हैं इस वाले कलर पे इसका थोड़ा सा कर लेते हैं सैचुरेशन प्लस एंड इसका भी एंड ऑरेंज कलर का थोड़ा सैचुरेशन कम कर लेते हैं बिल्कुल थोड़ा सा 10 तक। अब मैंने इतना कर लिया, अब यहाँ से कर लेते हैं बैक एंड फिर डन कर लेते हैं और इसको कर लेते हैं बिल्कुल लास्ट तक अप्लाई, अभी देखते हैं कैसे लग रहे हैं। हमने फिल्टर्स तो अप्लाई कर लिया, अभी आपको इफेक्ट्स को अप्लाई करना है तो क्या करें यहाँ पर फर्स्ट हम ट्रांजिशन क्रिएट कर लेते हैं तो ट्रांजिशन पर क्लिक करना है। तो अभी आपको यहाँ पर क्या करना है ट्रांजिशन में ब्लैक हेयर को सिलेक्ट करना है देन इसका जो टाइमर है आपको कर देना थोड़ा सा प्लस 1 सेकंड कर देना है एंड देखते कैसे। तो ये परफेक्ट लग रहा है, अभी यहाँ पर आपको क्या करना है कुछ नहीं करना है इस पर क्लिक करके फिर से आपको ऑल पे अप्लाई कर देना है देन डन, अभी हमारा हो चुका ये भी काम। अब आपको आना है इफेक्ट्स पर एंड फिर से वीडियो इफेक्ट पर क्लिक करना है। तो अभी आपको यहाँ पर क्या करना है सर्च का जो बार दिख रहा है वहाँ पर क्लिक करना है देन यहाँ पर आपको क्या करना है सर्च सॉफ्ट, पहले तो आपको सॉफ्ट करना है सर्च
तो देख लो यहाँ पर फर्स्ट में सॉफ्ट दे रहा है, इस पर क्लिक कर देना है एंड इसको अप्लाई कर देना है। एंड इसका इंटेंसिटी यहाँ से आप कम ज़्यादा कर सकते हो। देख लो तो इसका इंटेंसिटी आपको अप्रॉक्स रखना है 25 तक या फिर आप 30 रख सकते हो, ये भी परफेक्ट है। अब इसको बिल्कुल एंड तक कर देना अप्लाई। अब आपको फिर से आना है वीडियो इफेक्ट्स पर एंड इस पर आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है वाइब्रेशन फ्लैश को। अब आपको यहाँ पर दिख जाएगा वाइब्रेशन फ्लैश को सेलेक्ट करना, जो कि यहाँ पर ब्लैक एंड व्हाइट है, इसको सेलेक्ट करना आपको। देन यहाँ पर कलर सेलेक्ट, कलर यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। देख लो तो आपको जो भी कलर रखना है उसको कर देना सेलेक्ट एंड इसका रेंज यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। देख लो कितना रेंज आपको रखना है, तो मैं इतना लेता हूँ। इसका एटमोसफेयर बिल्कुल कर देना प्लस, ग्लो भी यहाँ से आप चेंज कर सकते हो कितना ग्लो करना आपको, तो मैं इतना ग्लो कर लेता हूँ। इसका स्पीड कर देना बिल्कुल जीरो। अभी देख लो यहाँ पर बहुत सारे लोग ग्लो इफेक्ट ऐड नहीं कर पाते कैपकट से, लेकिन आप इस वाले इफेक्ट के हेल्प से कर सकते हो ऐड। देख लो मैंने यहाँ पर ऐड करके आपको दिखा दिया। अभी कुछ नहीं करें, यहाँ से आपका वीडियो रेडी हो चुका है। अभी आपको यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेना है डायरेक्टली। तो आप जितने क्वालिटी में चाहते हो यहाँ पर क्लिक करना है, देन इसका आप क्वालिटी इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। देन इसको कर लेते हैं एक्सपोर्ट।